चलिए, सो वेलकम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं। जिनका भी क्वेश्चन हो वो अपना हैंड रेस कर ले। जी राधिका मैम, अनम्यूट करें। मैम, मेरे को ना एक्चुअली ची बॉल के बारे में पता करना था। आपके पास कोई वीडियो होगी? मेरे से बन नहीं पा रही है। हाँ जी बॉल, चलिए अभी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है? जी मैम। हाँ चलिए, सभी लोग बना लेंगे। दोनों हैंड्स को आपस में रब करी। सो बेसिकली ची मतलब क्या होता है? एनर्जी, है ना? हाँ चाइनीज जी में एनर्जी को ची बोलते हैं, जापानीज में उसको हम की बोलते हैं, जैसे हमारा रेकी है ना? और इंग्लिश में प्राण ऊर्जा बोलते हैं, हिंदी में प्राण ऊर्जा बोलते हैं, इंग्लिश में लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं। तो अपने हैंड रेस करिए। हाँ, दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए, रेकी शक्ति का आवाहन करिए। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। अपने दोनों हाथों को इतनी दूरी में कर लीजिए, अपने शोल्डर विड्थ गैप में, ठीक है? दोनों जो फिंगर्स हैं वो आपके जुड़े रहने चाहिए और दोनों हाथ आपके कप पोजीशन में, ओके? अब धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे रोटेट करना शुरू करिए, बहुत धीरे धीरे। और महसूस करिए कि आपके दोनों हथेलियों के बीच में एक एनर्जी बॉल है, और धीरे धीरे उस एनर्जी बॉल को शेप देते जाइए। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हाथों को नजदीक लाते जाइए, थोड़ा थोड़ा हाथों को नजदीक लाते जाइए। आप महसूस करते जाएंगे उस एनर्जी को। थोड़ा सा हाथ नजदीक लाएं अगर अभी तक आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आप अपनी बॉल को ऐसा महसूस करेंगे कि आपके हाथों के बीच में एक एनर्जी का बॉल है। और फिर धीरे धीरे आप हाथों को पीछे लेते जाइए। अगर आपको एनर्जी का बॉल महसूस हो गया है, इससे आप अपने ची बॉल को और बड़ा कर सकते हैं। विजुअलाइज करते जाइए कि आपका ची बॉल एक्सपैंड होता जा रहा है, वाइट कलर का बॉल है वो और बड़ा होता जा रहा है। थोड़ा नजदीक लाइए, थोड़ा एक्सपैंड करिए, इस तरह से आप वो ची बॉल अपने लिए अपने साइज का क्रिएट कर सकते हैं। और अगर अभी भी नहीं महसूस हो रहा तो थोड़ा हाथों को और रोटेशन दीजिए। थोड़ा हाथों को रोटेशन देकर महसूस करिए कि दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी का बॉल है, वाइट कलर का, जिसको आपने होल्ड किया हुआ है। फिर आप उस ची बॉल को अपने क्राउन पर या अपने हार्ट चक्र पर विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये आपके अंदर जा रही है और ये ची बॉल आपको पूरी तरह से हील कर रही है, आपके हार्ट को, आपके क्राउन को, आपके सातों चक्रों को हील कर रही है। ओके, राधिका मैम, आपको महसूस हुआ? वेलकम। यस मैम, यस मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। दिस इज ची बॉल। अच्छा, ये ची बॉल कब हम यूज करते हैं? जैसे लेट सपोज कि आपको बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, ठीक है? सो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ची बॉल बनाकर और उसको आप जहां पर भी आपका पेन एरिया है वहां पर आप उसको एंटर करवा सकते हो, ठीक है? मैम थैंक यू मैम। वेलकम। पूजा मैम, जैसे हम दूसरों से कनेक्ट करते हैं ना अपने डिस्टेंस सिंबल से, तो आप उनसे जैसे डिस्टेंस सिंबल से कनेक्ट करके फिर ची बॉल बनाकर आप इंटेंशन कर सकते हो कि ची बॉल उनको जा रही है।
ठीक है। और एक और तरीका हो सकता है मास हीलिंग के लिए, हम क्या करते हैं, वेरी गुड इवनिंग मैम, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अब लेट्स सपोज कि हमें मास हीलिंग करना है, तो हम ना अपना एक ची बॉल बना सकते हैं और हमने उसको प्रोग्राम कर दिया कि जो भी इंटेंशन करेगा इस ची बॉल से हीलिंग रिसीव करने का, उसको हीलिंग रिसीव होगी। ठीक है। और उसके बाद उस ची बॉल को हमने ऐसे प्रोग्राम कर दिया इंटेंशन डाल के, और उसको जैसे आप स्पेसिफिक चीज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे कि पेन रिलीफ के लिए कर सकते हैं, या अबंडेंस के लिए कर सकते हैं, या नॉर्मल फुल बॉडी हीलिंग के लिए, चक्र बैलेंसिंग के लिए, थोड़ी देर मतलब 10 मिनट्स के लिए अपना ची बॉल बनाया, उसमें सभी सिंबल्स डाले, अगर आप कोई मंत्र जानते हैं तो मंत्र डाल दिया, और फिर ऐसे आप यूनिवर्स में उसको जाने को बोलोगे कि वो ची बॉल यूनिवर्स में चला गया। ठीक है। आपने ऐसे बोल दिया, फिर आपके जो भी आप जिनको भी चाहते हो हीलिंग देना, आप उनसे बोलोगे कि वो शांत से बैठ जाए और इंटेंशन करे कि जो यूनिवर्स में आपके द्वारा ची बॉल भेजा हुआ है वो उसे रिसीव कर रहे हैं, और आप उनसे बोलोगे कि वो आंखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठ के महसूस करे कि वो डिवाइन ची बॉल उनके क्राउन चक्र में एंटर कर रही है और उन्हें हील कर रही है। तो आप इस तरह से पहले से ही ची बॉल प्रोग्राम करके भी किसी को हीलिंग भेज सकते हो। ओके। सुदीप्ता मैम, अभी हमने बनाया था, आप लेट हो गए हो, आप एक बार वीडियो से देख लेना। ठीक है। जैसे हम लोग ने लेवल 1 पे सीखा था ना मैम, अपना ऑरा मेजर करते थे हम लोग, दोनों हाथों के बीच में है और ऐसे ची बॉल बनाते थे, सेम वैसे ही बनाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपना हैंड रेज करें जिनका भी क्वेश्चन है। हाँ जी उत्कर्ष जी। हेलो मैम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम, आई ऑप्टेड फॉर योर रेकी हीलिंग पार्ट 1 इन अक्टूबर। हाँ जी। बट ड्यू टू सम इमरजेंसी इन माय फैमिली, कंटीन्यूअस हॉस्पिटलाइजेशन एंड फॉर पीपल एंड मैरिज, आई कुड नॉट कंटिन्यू विद इट। आई ओनली अटेंडेड अटेनमेंट सेशन। Okay. So I want to ask now, I have all the material and resources, वो आपने शेयर किया था। mm-hmm. So can I start it now? कि I will need another attunement session for no, that. No, no, no. You don't need another attunement. You can start with the videos, right? That पहले वो 5-6 videos हैं, then that chart. Workshop videos and then final planner, right? वो planner के बाद do we continue with that planner कि फिर कुछ normal हो जाता है? फिर आफ्टर यू हैव फिनिश्ड प्रैक्टिसिंग द प्लान, वीक 4 और 3, हां, देन यू हैव टू डू सेल्फ हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग, दैट इज मैंडेटरी डेली। ऑरा क्लेंजिंग इज बेसिकली क्लीनिंग ऑफ योर एनर्जीज ना। यस यस। ओके। एंड चक्र बैलेंसिंग कंटिन्यू करना होगा कि वो ओनली दैट Self-healing. आप एक बार पहले कंप्लीट करो, वरना ना आपको अभी कंफ्यूजन होगा कि चक्र बैलेंसिंग क्या है, सेल्फ हीलिंग क्या है ना। तो आप एक बार प्लानर कंप्लीट कर लो, फिर मेरे को बताना, देन आई विल गाइड यू कि आपके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है ना। आप हो? ओके, थैंक यू मैम। हां जी, वेलकम। या वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, आई थिंक। जी जी जी, ओके। स्टूडेंट रेकी का एक साइड नेटवर्क इशू की मेरे साइड। अच्छा, कोई नहीं। स्टूडेंट रेकी का एक बार फिर से डिफाइन करिए मैम। आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सुदीप्ता मैम। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मतलब स्टूडेंट रेकी, जैसे स्टूडेंट्स को रेकी करना है अगर,
तो उसको किस तरह से थोड़ा सा मतलब फिर से डिफाइन कर, कैसे करेंगे उनको स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा, बच्चों को बताया था ना कि देना है तो हाँ स्टूडेंट्स को देना है व्हाट देयर स्टडीज एंड ऑल, है ना? तो सबसे पहले तो मैम देखिए, हमने लेवल टू पर सीखा है कि हम कैसे बच्चों की बुक्स, उनका जो पेन पेंसिल स्टेशनरी वगैरह कैसे चार्ज करते हैं ना, चोकरे से, कि चोकरे से आप डेली उनका स्टेशनरी, उनके बुक्स और उनका जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा आप डेली बेसिस पे चार्ज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छी एनर्जी उनके बुक्स में और उनके पूरे स्टडी मटेरियल में रहेगी। दूसरा, हमें स्टूडेंट्स के लिए उनके क्राउन चक्र पर, थर्ड आई पर, थ्रोट चक्र पर हीलिंग देना होता है। क्राउन चक्र और थर्ड आई पर इसलिए ताकि उनका जो मेमोरी है, उनका रिटेंशन पावर है, उनका ग्रेस्पिंग पावर है, कंसंट्रेशन है, ये सब बहुत अच्छा रहे। और आप जब हीलिंग देंगे तो आप अपना चोकरे से की चोकरे का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास अगर मास्टर सिंबल है तो आप मास्टर सिंबल से हीलिंग दे सकते हैं। मतलब जो जो हीलिंग टेक्निक्स या मोडालिटीज आप जानते हैं, आप उसको कंबाइन करके वहाँ उनको हीलिंग दे सकते हैं, विद एन इंटेंशन कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो मेमोरी है, वो सब इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। उसके साथ साथ उनके थ्रोट चक्र पर दीजिए ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा हो, है ना? जैसे कि बच्चों को बोलने में भी कभी कभी हिचक होती है कि अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाते टीचर से, या बात नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो सब चीजें उनकी फिर थ्रोट चक्र की हीलिंग से दूर होंगी। ओके, इसके साथ साथ आप उन्हें खुद भी गोल मैनिफेस्टेशन करने को बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अपने लिए गोल्स लिखते हैं, वैसे ही आप स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं कि आप बेटा अपने लिए गोल लिखो कि आई हैव सिक्योर्ड इतना इतना परसेंटेज इन माय दिस 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 एग्जाम, है ना? तो ऐसे क्या होगा कि उनका खुद का भी एक गोल रहेगा, उनकी खुद की भी एक एनर्जी उसमें डिवोट होगी। और उनको आप डेली बोलो कि आप अपने गोल को 21 टाइम्स डेली डेली रिपीट करो, है ना? और इसके साथ साथ थोड़ा सा आप उन्हें ओम मेडिटेशन करने को बोलो, ज़्यादा नहीं, 5 टाइम्स ही कर लें, तो उससे उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उनके गोल्स को क्या हम लोग भी चार्ज कर सकते हैं क्या? हाँ, आप भी कर सकते हैं, बट बेस्ट ये होगा कि जो गोल आप अगर उनके लिए लेट्स सपोज कर रहे हो, तो आप उनको भी बोलो कि वो भी सेम गोल लेकर अपने से भी रिपीट करें। मैंने मेरा मतलब है कि जैसे वो लोग लिख रहे हैं तो वो लोग तो करेंगे ही, साथ में उनका गोल्स तो हम चार्ज कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। सिंबल देके या ऐसे ही करना है उसको? सिंबल्स जैसे हम लोग सिंबल्स है, जैसे हमने लेवल 3A तक सीखा आपने, है ना? तो लेवल 3A तक जिस तरीके से हमने गोल मैनिफेस्टेशन सीखा है, आप सेम वो प्रोसेस से रिपीट करोगे। ठीक है, थैंक यू, वेलकम जी। हरप्रीत मैम, यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी मामा भाई। ओके ओके मैम, एक मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे मैम ग्रैंड मास्टर मैम ज्वाइन करना है, वो मैम आप कब स्टार्ट कर रहे हैं आप? मैम रेकी ग्रैंड मास्टरशिप? यस मैम, यस मैम। उसकी अभी लाइव क्लास तो अभी नहीं हो रही रिसेंट में। ओके हाँ, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे आप लोगों ने मास्टर्स किया था ना मैम रिकॉर्डेड से, वैसे ही आपको फिर करना होगा, क्योंकि लाइव क्लास हम पहले मास्टर्स की करेंगे फिर ग्रैंड मास्टर्स की करेंगे। ओके ओके, राइट राइट, तो दैट मींस उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना? तो मैम एक चीज बताइए, मैंने ना अक्टूबर में आपसे किया था मैंने मास्टर लेवल, राइट? तो मुझे अभी कितने टाइम का गैप चाहिए मैम ग्रैंड मास्टर के लिए? मैम आई वुड सजेस्ट मिनिमम 3 to 6 months। 3 to 6 months, ओके। एंड मैम इतना सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम मैं ना जनवरी में थोड़ा मैम रेकी लेवल 1 का मैं वर्कशॉप का थोड़ा सोच रही थी मैम, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन उस पर भी है, और इनफैक्ट लकली आपने भी जो 30 days का जो स्टार्ट किया है वो तो मैम मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा आपने स्टार्ट किया है। वो मोमेंट पे जब मैं मतलब
बहुत ज्यादा वो कोशिश भी कर रही थी, सारी प्लानिंग कर रही थी कैसे करूँ, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज होगी, बहुत प्लस पॉइंट होगा मेरे लिए। इनफैक्ट इससे मैम क्या हो रहा है ना, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हो भी रही है। सेकेंडली ना मैंने ना कुछ पॉइंट्स मतलब लिखे थे कि लाइक जैसे मैं ये वर्कशॉप में अपना मतलब स्टूडेंट के लिए तैयार कर रही थी। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ना कि इंट्रोडक्शन वाला, तो मतलब जब मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया ना, तो मेरे को एकदम से क्लियर हो गया कि यस नाउ मैं कॉन्फिडेंट कि मैं आराम से बोल सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, एटलीस्ट एक चैप्टर तो पढ़ा सकती हूँ मैं। तो मतलब इसका ये जो बेनिफिट है ना बहुत ज्यादा मिल रहा है मैम, इसके लिए तो मैम आपको रियली मतलब बाय हार्ट आपको रियली थैंक यू सो मच कि आप इतना ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं। थैंक यू। मतलब ऑनेस्टली आपको एक चीज बताती हूँ कि 10+2 के बाद में मतलब जितने मेरे टीचर्स में पढ़ी हूँ ना, इतने डिवोटी रहे हैं हमें एज अ स्टूडेंट, तो उसके बाद मैम मैंने आपको ही देखा है कि मतलब आप अपने स्टूडेंट को लेके बस हर तरह से उनको मोटिवेट कर रहे हैं। रियली मैम आपको रियली थैंक यू सो मच, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच। तो मैम मुझे ना थोड़ा सा टिप्स, मतलब वैसे तो खैर आपसे बहुत सारी मतलब चीजें सीख रहे हैं हम, आप हर वक्त कुछ ना कुछ हमें इनफैक्ट बहुत सारी टेक्निकली भी चीजें आप बहुत बता रहे हैं जी। तो मैम इसके अलावा कोई और टिप मैम अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज अभी मैंने फिक्स नहीं किया कोई डेट वगैरह, अभी कुछ नहीं किया, अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट कुछ स्टार्ट नहीं कर रही, अभी सिर्फ जितना मतलब मेरा जो भी अभी वीडियो पे ही अभी फोकस कर रही हूँ, और लेवल 1 का जो है उस पे फोकस कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं जो मास्टरशिप भी है वो उस पे भी थोड़ा भी मैंने साइड पर रखा हुआ है कि नहीं उसको पहले इसी को फोकस करती हूँ मैं पूरा महीना इसको। तो मैम उसमें कुछ और टिप्स मैम आप दे सकते हैं कि लाइक जैसे कुछ और भी मतलब मैं क्या करूँ, मतलब जिससे मतलब थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी मेरा बना रहे, और मेरे पास एक नॉलेज इनहेंस के लिए तो मैम बहुत सारी चीजें मैं ट्राई कर रही हूँ, बुक्स के थ्रू भी, मटेरियल के थ्रू भी, इनफैक्ट अपनी मतलब जो भी मैंने पीछे भी पढ़ा है, क्योंकि मैंने मैम रिकी लेवल 1-2 आपसे नहीं किया मैंने ना एक्चुअली, तो मैम वो सारी चीजें भी इनफैक्ट मुझे बहुत सारी लैकिंग लगती है कि अगर आपसे किया होता, चलो इनफैक्ट मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, जिससे भी किया अच्छा किया मैंने, इनफैक्ट आपसे जुड़ी तो आपसे भी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ मैम, तो मैम इस टाइप की मुझे मैम कोई टिप्स दीजिए आप। मैम आप एक चीज बताइए कि आप लाइव वर्कशॉप प्लान कर रहे हो कि अभी आप अपना वीडियो कोर्स लॉन्च करने का प्लान कर रहे हो, कैसे आपने प्लानिंग की है? लाइव वर्कशॉप का प्लान कर रही हूँ। ओके, तो मैम देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है लाइव वर्कशॉप में, कि आप अपनी ना प्रेजेंटेशन बना लो, ठीक है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन, जैसे आपने मास्टर्स किया मेरे से तो आपने देखा होगा कि सब कुछ प्रेजेंटेशन में होता है, और मैं बस वो टॉपिक लेकर एक्सप्लेन करती हूँ, है ना, बहुत सारी चीजें वो प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी लिखी होती हैं। तो इससे क्या होता है कि आप ना मतलब आप भटकते नहीं हो, कि आपको पता है कि मेरे को ये टॉपिक अगर पढ़ाना है तो इसमें ये पॉइंट्स हैं, तो मुझे बस उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप अपना लेवल 1 का पूरा प्रेजेंटेशन बना लो, पहले तो आप मोटे मोटे टॉपिक्स डिसाइड कर लो कि आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो लेवल 1 पे, जैसे कि हमारा जो सिलेबस है लेवल 1 का, कि व्हाट इज रेकी, रेकी कैसे काम करता है, साइंस क्या है, चक्र क्या होते हैं, ऑरा क्या होता है, चक्र बैलेंसिंग कैसे होता है, ऑरा क्लेंजिंग कैसे करते हैं, ऑरा स्कैनिंग क्या होता है ना, और फिर उसके बाद आप वाटर चार्जिंग बताओगे, है ना, गोल मैनिफेस्टेशन अगर आपको बताना है, या आपको अपने से भी कुछ और ऐड करना है, लेट सपोज लेवल 1 पे आप कुछ और भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, तो आप पहले तो ये मोटे मोटे टॉपिक्स डिसाइड कर लो, एंड देन आप हर टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना लो। राइट मैम, राइट, ओके मैम, एक्चुअली मैंने कुछ ऐसा ही सोचा, मैंने इससे मैम मैंने एक चीज आपसे पूछना चाहती थी, इनफैक्ट जो भी आपने मतलब अभी टॉपिक डिस्कस किया है ना, मैंने ऑलमोस्ट वैसे ही टॉपिक मैंने मतलब डाल रही हूँ मैं, तो इससे मैम मुझे ना एक चीज का कंफ्यूजन है, मैंने ना एक बुक में देखा था गाशो मेडिटेशन जो है वो मैंने नहीं सीखा हुआ, यस मैम, तो मैम तो मतलब वो ऐसे अगर मैं डालती हूँ तो वो रेकी लेवल 1 में कंसिडर होगा वो? हाँ मैम, 3 जैसे हमारे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी होते हैं, वैसे 3 पिलर्स ऑफ रेकी होते हैं, उसमें गाशो मेडिटेशन भी आता है। इट्स नॉट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इट्स सिंपली ब्रीदिंग, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, हाथ जोड़ के हम बस ब्रीदिंग के बारे में, हाँ, बैठने का एक पोजीशन है, मतलब उसको रेकी लेवल 1 में हम एज ए उसका एक टॉपिक एड ऑन कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, हाँ
ओके, फाइन, ठीक है मैम। तो मैम ऐसे ही टॉपिक मैंने मतलब सोच रही हूँ, और इनफैक्ट प्रेजेंटेशन का ही सोच रही हूँ मैं। इसमें मुझे ना जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हो ना, उससे मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे अभी 3 वीडियो आपको शेयर किए हैं आपने, अभी जैसे रिसेंटली मैंने प्रिंसिपल वाला भी किया था, तो मैं यही सोच रही थी कि टॉपिक में ना मैं वैसे ही चलूं कि लाइक जैसे अभी मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर हिस्ट्री का बताया, बेनिफिट का हो गया, प्रिंसिपल का हो गया, जैसे जैसे मतलब रेकी का हुआ ना, आगे पीछे मत भागू, मतलब वीडियो में वैसे ही कॉन्सेंट्रेट करूँ कि जैसे जैसे अपनी रेकी लेवल 1 के हिसाब से चल रहा है। उस हिसाब से क्या हो रहा है ना, मैम मेरी प्रैक्टिस भी उसमें ठीक हो रही है मेरी, इनफैक्ट मुझे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। मैंने ना मैम एक्चुअली थोड़े दिन पहले ना आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने ना मैम एक ना प्री हीलिंग का ना सेशन मैंने रखा था, जस्ट एक ट्रायल के लिए, कि एक जूम चलाने के लिए भी रखा था कि मैं जूम कैसे चला सकती हूँ, एक तो एक चीज के लिए, और दूसरा मतलब एक अपने को इनकर्ज करने के लिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। बट मैम उसमें 4 या 5 पार्टिसिपेंट ही हायर, तो मतलब थोड़ा बहुत बोली में 2 दिन का मैंने रखा था, तो मतलब उस हिसाब से मुझे इतना रिस्पांस नहीं आया, तो जस्ट मतलब मेरे 2 दिन के मैम मैम मैंने अगर अपना बताया हो कभी तो, मैंने तो मैम स्टार्टिंग में जो 3-4 वर्कशॉप अनाउंसमेंट की थी उसमें तो कुछ भी कोई भी नहीं आया था, मतलब अगर फ्री भी कर रहे थे तो भी कोई भी नहीं आया, तो मैम इससे हमें नहीं वो नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं आया है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है मैम, और ऐसे ही मैम हमारी जर्नी शुरू होती है, ये स्टेप बाय स्टेप ही शुरू, तो यही जो 4-5 है ये फिर धीरे धीरे आपके 10-15 होते हैं, धीरे धीरे यही बढ़ते जाते हैं ना। ठीक है मैम, चलिए अभी फिलहाल वो कुछ भी होगा तो मैम आपसे गाइडेंस लेती रहूंगी। थैंक यू पूजा मैम, काइंडली गाइड ऑन कोर्स ऑन रेकी ग्रैंड मास्टर्स इट्स कंटेंट एंड अट्यूनमेंट। श्योर मैम, ये मैं एक बार मास्टर्स के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है मैम जी। राधे राधे मैम, जब बेटी को फेस टू फेस हीलिंग देती हूँ उससे नींद आने लगती। हाँ दैट्स गुड मैम, एक्चुअली रेकी में ऐसे ही होता है, मतलब किसी भी हीलिंग टेक्निक में आप देखोगे कि जब आप किसी को हीलिंग देते हो ना तो उनको ऐसे डीप स्लीप में जाने लगते हैं या वो बहुत डीप रिलैक्सेशन में जाने लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका मतलब कि उनकी पूरी बॉडी और उनका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है और वो अच्छे से एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, सो दैट इज़ गुड। मैम कैन आई ज्वाइन? यस ऑफ कोर्स मैम, आप तो ऑलरेडी मेरे मास्टर्स वाले ग्रुप में हो ना, तो जब भी हमारा लाइव होगा ना मैम तो उसी ग्रुप में लिंक शेयर किया जाएगा जी। वेरी गुड इवनिंग मैथिली मैम जी। रंजीता मैम प्रणाम। मैम प्रणाम मैम, आज बहुत दिन के बाद मिली आपसे, बहुत अच्छा लगा। मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा एक भतीजा है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी भी कम कर रहा है, लेकिन उसका थोड़ा गलत संग, जैसे का एटीट्यूड, तो मैंने उसे पूरे 1.5 महीने 2 महीने हो गए उसको 3rd टेम्प्लेटेशन का जो था उसे दे रही हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कुछ चेंजेस इतना नहीं लग रहा है, जैसे बहुत शांत हो गया है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, उसके साथ और क्या करूँ ताकि वो सही लाइन में आ जाए। जी जी जी, और उसे भी कह भी नहीं सकती हूँ कि नहीं ऐसा मत करो, समझा रही हूँ बड़ा बच्चा है कुछ गलत ना सोचे, इसलिए समझा तो रही हूँ और वो कुछ जवाब नहीं रहे, बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अचानक ऐसा कुछ लगा कि गलत संगत में आ गया, कुछ गलत कर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, वो शांत हो गया है, इसलिए मुझे उसका थॉट इम्प्लांटेशन करती रहती हूँ, करीब करीब 2 महीने हो गए उसे रोज करती हूँ। फिर सोच रही हूँ 2 बार करूंगी, शाम और सुबह, जैसे मैं मेरा हीलिंग खत्म होता है ना तो उसको दे देती हूँ पैसा, और फिर चौकरे कभी डाइकोन से पूरी तरह से उसे प्रोटेक्शन भी देती हूँ, क्योंकि डर रहता है कॉलेज जाता है कुछ गलत संगत में भी आ गया है, तो इस तरह का उसके साथ और क्या करूं ताकि वो उस पर और भी थोड़ा सा ज्यादा ठीक लाइन में आ सके। जी
मैम सबसे पहले तो देखिए, जब आप थॉट इम्प्लांटेशन करते हो तो आपको टाइम ऐसा चूज करना है जब वो सो रहा हो, ठीक है? हाँ मैं कभी कभी रात को 10 बजे करती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे, मैं जैसे कि मैं बेड पे आती हूँ तो इस तरह रोज का तो रूटीन है कि रेकी को बुलाती हूँ, 10 उसी उनका आशीर्वाद लेती हूँ, फिर कभी भी करती हूँ। फिर सुबह जैसे मेरा रोज का होता है कि मैं पूजा पाठ करने के बाद मेरा सियोर कुछ भी हो जाए, मैं आधा घंटा अपना हीलिंग करती हूँ, क्योंकि अपने ओके, खुद के लिए मैं करती हूँ, तो उसके बाद देती हूँ सबको। आप ना उसका अर्ली मॉर्निंग किया करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो बड़ा बच्चा है, 10 बजे हाँ तक तो सोएगा नहीं, है ना? 10-11 बजे तो हाँ आजकल तो बच्चे लेट नाइट ही सोते हैं, है ना? हाँ हाँ तो हाँ इट्स बेटर कि आप जब सोकर उठते हो तो जब आप बेड पर बैठे हो आप तुरंत ही कर दो उसका, ठीक है? ताकि वो उसका सोने का समय हो, क्योंकि जब आप उस वो सो रहा होगा और तब आप उसको ऐसे थॉट सेंड करोगे तो ज्यादा अच्छे से रिसीव होएगा, ठीक है? दूसरी बात मैम, आपको उसका ना डेली ऑरा क्लेंजिंग करना चाहिए, ठीक है? हाँ, लेकिन वो थोड़ा बाहर रहता है तो दूर से ही डिस्टेंस ऑरा क्लीनिंग हाँ, डिस्टेंस कर है, सकते हैं। हाँ, हाँ हाँ डिस्टेंस से ही। हाँ, कभी कभी करती हूँ, जैसा मन घबराता है कि नहीं कुछ गलत ना आ जाए, इसीलिए जैसे कि थॉट इम्प्लांट से पहले ही उसको ऑरा क्लीनिंग करके प्रोटेक्शन दे देती हूँ, फिर उसके बाद उसका थॉट इम्प्लांटेशन करती हूँ, तो जैसे फिर सुबह आप, का लूँ। हाँ, सुबह करिए और डेली करिए उसका हाँ, क्लेंजिंग। रोज करती हूँ, रोज ऐसा मेरा एकदम आदत ही हो गया कि जैसे रोज करती हूँ ना, तो आदत सा हो गया कि अगर आज नहीं देता हूँ तो मुझे कुछ खराब लगता है कि जी नहीं जी नहीं जी बच्चा को देना चाहिए, कैसे हाँ जी, गलती कर दिया मैंने। तो आप उसको डेली ऑरा क्लेंजिंग करिए, डेली आप प्रोटेक्शन जैसे दे रहे हो वो करते रहो, हाँ डेली थॉट इम्प्लांटेशन, और उसके साथ साथ थोड़ा सा उसका हीलिंग भी करो, चक्रा हीलिंग, अपने चोकरे से एक ही चोकरे डालकर, और से अपने की। में, हाँ, मास्टर सिंबल सीखा है तो मास्टर सिंबल हाँ डालकर जी, आप उसकी 7 चक्रा हीलिंग करो, ये इंटेंशन के साथ कि इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो डिजोल्व हो रही है, वो बाहर जा रही है। हाँ नहीं, कभी कभी सामने बैठती हूँ, बात करती हूँ ना, उसे पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे हम लोग सीखे हैं कि डायरेक्ट उसको थर्ड आई में हम सीधा दे रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं, सामने बैठा है मेरा, और वो भी करती हूँ कभी, सामने हम दोनों बैठते हैं बातचीत करते हैं तो मेरा दिमाग उसका सीधा जाके थर्ड आई पे लगता है, और वो जी भी जी करती हूँ ग्रेट मैम, वो आप रोज। कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैम देखिए वो बड़ा बच्चा है ना, तो अब वो हाँ तो एफर्ट्स डाल नहीं रहा कुछ भी, सारे हाँ हाँ एफर्ट्स आपको ही, मतलब आप ही डाल रहे हो एनर्जी लेवल हाँ पे, तो हाँ हाँ थोड़ा सा जी समय लगेगा, बट आप करते रहोगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा, है ना? थैंक यू मैम, थैंक जी, यू, थैंक वेलकम जी। यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर। जी सुदीप्ता मैम, जैसे कि हम किसी का हीलिंग करते हैं तो हाँ सपोज जी, करिए कि हम लोग थॉट इम्प्लांटेशन करते हैं ना, जब हाँ जी, दो लोगों का करना है, जैसे कि मैं अगर सेंड कर रही हूँ, सपोज करिए कि एक ए है पर्सन, और ए का पर्सन बी का, ए और बी में ये कराना है हमें, मतलब अच्छा रिलेशनशिप करना है, तो उनको हम कैसे करेंगे, ट्रायंगल बना करके क्या? अगर दो अलग अलग लोगों का करना है तो इट्स बेटर, जी अगर आपको रिलेशनशिप करना है तो आप वो रिलेशनशिप हीलिंग के थ्रू ही करिए, जैसे कि हो पोनो पोनो और अपना जो बैलेंसिंग सिंबल है वो डालकर और पिंक कलर का कॉर्ड कनेक्ट करके। नहीं, उन दोनों के साथ करेंगे या मेरा भी उसमें कनेक्ट करना है, आपको नहीं, उन दोनों का आपस में। उन दोनों का आपस में कनेक्ट करके हाँ करना है ना, हाँ थॉट इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर रिलेशन बिगड़ा हुआ है, मतलब माँ बेटा है, जैसे हाँ उन हाँ माँ बेटा में जैसे बहुत बहुत बिगड़ा हुआ रिलेशन है, बेटा जो है माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इस तरह से है कुछ, मतलब कुछ ऐसा पता नहीं क्या हुआ है,
तो कुछ नहीं, आप ना ऐसे मतलब ये जो थॉट इम्प्लांटेशन है ये हम अपने लिए यूज करेंगे, आप उनको ना करो, बस आप रिलेशनशिप हीलिंग करते वक्त इंटेंशन डालो, है ना, कि इनका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो डिसॉल्व हो रही है, और साथ में आप उनके लिए होपोनोपोनो भी कर सकते हो। और अगर दोनों में से कोई एक आपसे कनेक्टेड है या एक का कोई आपकी बात समझता है, तो आप उनको बोलो कि आप होपोनोपोनो प्रेयर डेली करो, क्योंकि उनके करने से जल्दी रिजल्ट मिलेगा, वरना आप करते रहोगे हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट आपको ना मिले। ठीक है ओके जी। थैंक यू। पूजा मैम, थॉट इम्प्लांटेशन हमने लेवल 2 पर किया था मैम। दीपाली मैम, मैम रेकी लेवल 1 कोर्स करना है, उसका ट्यूनमेंट कब लेना होगा आपसे आफ्टर ज्वाइन था ऑनलाइन रेकी क्लास? दीपाली मैम, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे जो अट्यूनमेंट्स हैं वो अब होंगे सभी लेवल्स के, मे बी आफ्टर 20 दिसंबर सारे लेवल्स के अट्यूनमेंट्स स्केड्यूल होंगे। जी अनीता मैम। हाँ जी शिफाली मैम, मेरे को ना मेरे ग्रैंडसन है तो वो ना ऑफ एंड ऑन बीमार बहुत पड़ता है एंड ही इज नॉट स्टेइंग विद मी। वो गुड़गांव में है तो मुझे ये जी पूछना था कि मतलब उसके लिए कैसे करूँ, उसके लिए गोल मैनिफेस्टेशन करूँ या मतलब रेगुलर हीलिंग या चक्रा क्लीनिंग क्या करूँ, मतलब कैसे, हाउ डू आई यू नो हेल्प हिम आउट। ही इज जस्ट 3 years old तो ओके ऐसा भी नहीं है कि वो किस टाइम सो रहा है किस टाइम कर रहा है, सो मैं कैसे कनेक्ट करूँ उसके साथ में। मैम, उससे आप उसका फोटो लेकर या वीडियो कॉल पर जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कनेक्ट कर लीजिए, और फिर अपने डिस्टेंस सिंबल से कनेक्ट करके सबसे पहले आप उसकी क्लेंजिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि छोटे बच्चे हैं थोड़ा सा, हाँ ईविल आई वगैरह रहता है, नजर लग जाती है, तो आप उसकी अच्छे से ऑरा क्लेंजिंग कर लीजिए, और उसके बाद जैसे हम अपना हीलिंग देते हैं अपने आप को, वैसे ही आप उसको हीलिंग दो। जैसे कि अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम है मतलब कफ एंड कोल्ड का है, तो थोड़ा सा थर्ड आई एरिया पे, थ्रोट एरिया पे उसको आप ज्यादा हीलिंग दो, या उसको स्टमक रिलेटेड इश्यू है तो स्टमक पर इंटेंशन करके आप उसको सभी सिंबल्स डाल के, जैसे आप तो शायद मास्टर्स पे हो तो करुणा रेकी के भी सारे सिंबल्स डालकर आप उसे वहां पर हीलिंग दो। ओके, लेकिन ये जैसे यू नो 2-3 दिन होता है फिर दोबारा से पड़ जाता है, तो यू नो इट्स कंटिन्यूअस, सो मुझे हाँ कंटिन्यूअसली ही देना है या मुझे मतलब जब वो नहीं बीमार है तभी भी देना है, कैसे करना हाँ है? और आप उसकी क्लींजिंग थोड़ी, करनी है तो रोज करनी है, कितने दिन हाँ करनी है? क्लेंजिंग आप उसकी रेगुलर करिए मैम, 21 डेज, आप 21 डेज क्लेंजिंग और अच्छा हीलिंग उसकी रेगुलर करिए, मतलब वो ठीक भी है ओके तो ओके भी आप उसको थोड़ा सा हीलिंग दो, दे दो, और ओके फिर ठीक आप थोड़े है दिन स्टॉप करके देखो कि अब मतलब वो उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, क्या बार बार फिर से बीमार पड़ रहा है, अगर फिर से हो तो फिर से नेक्स्ट 21 डेज तक आप उसको रेगुलर हीलिंग और क्लेंजिंग दो। ओके अच्छा, अब एक और इशू ये है कि जैसे मेरी भी इशू रहता है तो पॉइंट इज कि मुझे शायद ये लगता है कि मैं क्या उसको हीलिंग कर पाऊंगी अगर मुझे भी, मतलब मेरा तो एक आप सोचो कि इट्स अ क्रॉनिक जो भी इश्यूज है, तो उसमें क्या मैं उसकी हीलिंग कर सकती हूँ ना हाँ मेरे हाँ क्रॉनिक इश्यूज के साथ साथ? ऑफ कोर्स अच्छा आप कर सकते हो। आप अपनी सेल्फ ओके हीलिंग डेली कर रहे हो? हाँ, मैं सेल्फ हीलिंग डेली कर रही तो हूँ। फिर आप हाँ जी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम मैम। बस आप हीलिंग से पहले अपना प्रोटेक्शन अच्छे से करके फिर आप कनेक्ट करिएगा। हाँ ओके राइट जी और हीलिंग देने के बाद भी अपनी क्लेंसिंग करनी है या हाँ मतलब? एक बार आप ओके हीलिंग देने के बाद, उसको प्रोटेक्ट करने के बाद, शील्ड करने के बाद उसका ऑरा, फिर आप अपनी क्लेंसिंग कर लीजिए, जैसे देन आई कैन डू स्पाइरल। इट विद अ स्पाइरल चक्र या समथिंग, यस यस मैम, राइट? वेलकम ओके थैंक यू, थैंक यू शिफा। मैम। हाँ जी पूजा मैम। मैम जब हम अट्यूनमेंट देते हैं तो सामने वाला अगर लेवल 1 की भी अगर हमें इससे कोर्स ले रहा है तो हाँ। इज इट नेसेसरी कि हम सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के ही उनको सिंबल्स अट्यून करें? 3 के भी अगर हम अट्यून कर देते हैं तो स्टूडेंट विल नॉट नो ना, और फिर इट इज हाँ बेनिफिट फॉर बोथ ऑफ अस।
सो इज इट पॉसिबल, या सिर्फ अगर वो लेवल 1-2 कर रहा है तो सिर्फ 1-2 का ही सिंबल्स उनको अट्यून करना चाहिए? मैम देखिए, हमारा जो अट्यूनमेंट का प्रोसेस है उसमें जो हम क्राउन ओपनिंग करने के बाद हम सिंबल्स डालते हैं, हमें वो जो डॉक्टर मिकाओ सुई ने हमें एक प्रोसीजर दिया है कि हाँ आप लेवल 1 में ये दोगे, लेवल 2 में ये दोगे, 3 में ये दोगे, तो आइडियली हमें वो ही प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना ट्यूनमेंट पावरफुल बनाने के लिए वो सिंबल डालना चाहिए, तो आप वहां मत डालो, आप आगे पीछे डाल दो। आप समझ रहे हो मैम? आगे पीछे मतलब? मतलब कि उस प्रोसेस में आप आगे या पीछे डाल दो, यानी कि आप उनको वो सिंबल क्राउन पे मत दो, ठीक है? okay. आप okay. उसके पहले कर दो, क्राउन ओपनिंग से पहले आप दे दो, या जब आपने सारे सिंबल्स चक्रस में डाल दिए उसके बाद आप ये इंटेंशन करके कि मैं ये सिंबल उनको दे रही हूँ फॉर हीलिंग या और किसी पर्पस के लिए या उनको बैलेंस करने के लिए, और फिर आप वो दे दो, ठीक है ना? सो एवरीथिंग शुड बी इन सिस्टमैटिक फॉर्म। वो फर्स्ट लेवल ले रहा है तो सिर्फ फर्स्ट लेवल अट्यूनमेंट, सेकंड है तो सिर्फ सेकंड लेवल अट्यूनमेंट। यस मैम। अगर हाँ, अगर ऐसा है कि आपको सेकंड लेवल में, लेट्स सपोज कि मैं त्रिशूल और गांडीव भी देती हूँ, दो सिंबल्स एक्स्ट्रा देती हूँ, तो वो फिर मैं उसमें इंक्लूड करती हूँ। बट ऐसा नहीं कि सेकंड लेवल पर हम मास्टर सिंबल दे देंगे, नहीं वो नहीं करते हम। बट हाँ, अगर आपने अपने से कुछ बनाया है, आपको कुछ एडिशनल देना है सेकंड लेवल पे, तो आप वहां पर दे सकते हो। ओके ठीक है जी, थैंक यू, वेलकम मैम। अजी शारदा मैम, आपका हैंड रेज तक है मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी सुदीप्ता मैम। जैसे हम, मैंने तो जैसे 3A तक किया हुआ है, हाँ, तो हम लोग क्या टीचिंग में नहीं जा सकते? हम लोग टीच नहीं कर सकते हैं? अभी आपने अट्यूनमेंट का प्रोसेस नहीं सीखा ना मैम। जब तक कि आप किसी को शक्तिपात देना नहीं सीखोगे, जब तक आप किसी को रेकी चैनल बनाना नहीं सीखोगे, तो आप फिर अभी सिखा नहीं सकते। तो आपको रेकी मास्टर्स होना चाहिए ताकि आप लेवल 3A तक अट्यूनमेंट्स दे सकें, फिर रेकी ग्रैंड मास्टर होना चाहिए ताकि आप रेकी ग्रैंड मास्टरशिप तक पढ़ा सकें। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम। हाँ जी मैम। मैं सुनीता ढेल बोल रही हूँ। जी जी मैम। मैम मेरा ना कम से कम 5-6 मंथ का गैप हो चुका है रेकी के अंदर, और कभी कभार ही कोई सेल्फ हीलिंग वगैरह कर पाई हूँ, और कभी कभार ही हमारा जो और कर्मा क्लियरेंस है वो मैं कभी कभार कर लेती थी बीच बीच में। जी जी, बहुत करती थी क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, अभी बीच में कोई प्रॉब्लम थी घर पे, इसलिए वो कोई ज्यादा ही, मम्मा औरों का ध्यान रखना था, उनके नी रिप्लेसमेंट हुए थे इसलिए। तो मुझे मैम ये बताओ कि अब जैसे मैं वापस स्टार्ट करना चाहती हूँ, अभी 1-2 दिन हुए हैं मैंने स्टार्ट किया है, और क्लिनजिंग करते हुए मेरे को 7 दिन हुए हैं, तो मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? वापस से लेवल 1 के अकॉर्डिंग करूँ या फिर कैसे करूँ, आप बताओ। मैम देखिए, आपने सारे प्लानर्स और पहले फॉलो कर रखे हैं, राइट? लेवल 1, 2, 3 है, तो अब आप अपने लिए चूज कर सकते हो। जैसे हमारी जो मैंडेटरी प्रैक्टिस होती है वो होती है सेल्फ हीलिंग, ठीक है? हाँ, 12 पॉइंट्स या जो भी आपने पॉइंट सीखे, 12 पॉइंट सेल्फ हीलिंग हमारी ये मैंडेटरी प्रैक्टिस है। इसके आगे पीछे अब आपको जो यूज करना है, मतलब जो आप चाहते हो, जैसे कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लेंजिंग की ज्यादा जरूरत है, तो आप अपना ऑरा क्लेंजिंग प्लस सेल्फ हीलिंग कर लो, या अभी कभी आपको लगता है कि नहीं मेरे को चक्र मेडिटेशन करना चाहिए, तो कभी आप चक्र मेडिटेशन प्लस अपनी सेल्फ हीलिंग कर लो, या कभी आपको लगता है कि मुझे कर्म क्लियरेंस करना चाहिए, तो वो उस हिसाब से आप
मतलब अब आप कॉम्बिनेशंस में कर सकते हो, वो अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हो। बट एक चीज, एक प्रैक्टिस जो हमेशा लाइफ टाइम कंटिन्यू है, दैट इज सेल्फ हीलिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी तृप्ति मैम, इट इज ओके टू डू सेल्फ हीलिंग ओनली वंस, मेरे एग्जाम है जैन में, सो आई एम अनेबल टू गिव मोर टाइम। दैट्स ओके, आप अगर वन टाइम भी कर रहे हो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप वन टाइम करके अच्छे से कर लो, है ना। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस एनीवन? ओके वेलकम। So, I guess we are done. Thank you so much, everyone. अगर in case, हाँ जी, हाँ जैसे कि बहुत कभी कभी होता है कि बाहर जाना है, बहुत कम समय है हमारे हाथ में, हाँ हाँ, और टाइम नहीं है कि हम पूरा दे सके, तो उसमें फटाफट में कौन सा कर सकते हैं? आप फटाफट में 7 chakra हीलिंग कर सकते हैं, जैसे 1-1 minute हर एक चक्रा पर डालकर, हार्डली आपको 8-10 minutes लगेंगे और आपका पूरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके लिए स्पेशली क्लेंजिंग ज्यादा जरूरी है डेली, तो आप काली से या स्पाइरल चौकोरे से डेली डेली क्लेंजिंग कर सकते हो। काली से मैं करती हूँ डेली, तो जैसे मेरा ऐसा था कहीं भी जाना पड़ता है तो बस में भी बैठ के भी बहुत जाती हूँ, जब गाड़ी में रहती हूँ, बिल्कुल वहां बैठ के भी मैं करती हूँ। हाँ बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू। बट वो बस में करती हूँ तो ज्यादा मतलब वो फील, मतलब नहीं एनर्जी फील होता है, घर में से करती हूँ तो एनर्जी फील होता है, ये तो है, बस में नहीं, बस में कहाँ कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता ना, बट एटलीस्ट आप कर रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वेलकम जी पूजा मैम। मैम अभी जैसे हमने आपसे सिर्फ मास्टर्स कोर्स किया है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो आप फर्स्ट सेकेंड और 3A लेवल में भी सिखा चुके हैं, जिसके बारे में अब हमें नहीं पता है, तो अब उसके ऊपर आप हमें कैसे गाइड कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा वो सब सीखने के लिए, पूरा कोर्स करना पड़ेगा आपसे? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप ये जो सुन रहे हो ना थॉट इम्प्लांटेशन वगैरह, ये सब टेक्निक्स ना मैंने खुद से प्रैक्टिस से बनाई है, मतलब इट्स नॉट पार्ट ऑफ रेकी। तो अगर आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा रेकी में कुछ मिस हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका रेकी में कुछ नहीं मिस हुआ होगा, वो जो मेरी खुद के टेक्निक्स है, अब जैसे मेरे सिंबल्स हैं जो मुझे गाइडेंस में आए, जैसे कि काली, त्रिशूल, गांडीव और कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स, तो ये सब मतलब मुझे जो ठीक लगता है कि हाँ इसको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, वो इंक्लूड किया है, तो आपका एज सच कुछ रेकी में कुछ मिस नहीं हुआ है? नहीं मैम, रेकी में नहीं मिस हुआ होगा जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखी हैं उसी को आपने जैसे अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड की है, ये एक्सपीरियंसेस ही तो हमें नए स्टूडेंट्स को नई चीजें सिखाते हैं ना मैम। जी 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 जी, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से जो बेटर किया वही हम और सीखना चाहेंगे ना, ताकि हमारा भी बेटर हो जाए, तो हम इन चीजों को कैसे सीख पाएंगे फिर आपसे? ठीक है मैम, इसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे, है ना। अगर एक छोटा सा कोर्स या कुछ भी जिसमें कि रेकी के मेन कोर्स के अलावा जो आपने सिखाया है अपने स्टूडेंट्स को, वो हम भी सीखना चाहेंगे मैम। ओके ओके, श्योर मैम, थैंक यू, वेलकम मैम जी। मेघना मैम। हाँ मैम, 3A लेवल पे जो जोस डिसिल्वा मेथड है माइंड की, तो मैम अगर वो सिखानी है, उसका मेडिटेशन करवाना है, तो मैम हमें आप जिस तरह से करवाते हैं वो उसी तरह से मतलब उल्टा गिनती आप करवा सकते हो वो जोस सिल्वा वाला, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें कुछ म्यूजिक रखना पड़ेगा अल्फा म्यूजिक, वो आप देख लो, आप कोई भी बैकग्राउंड में कैसे भी म्यूजिक हल्का सा रख सकते हो, है ना।
तो सिखाने के लिए भी यही है ना मैम? हाँ, आप ना एक सिल्वा मेथड वाली जो बुक है ना, जो सिल्वा की, एक बार आप वो बुक भी अपने से थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है? हो सकता है कि मेरे से जो मिस हुआ हो, आपको कुछ और उसमें ऐड करना हो सकता है कि आपको पढ़ते वक्त उसमें और कुछ कंटेंट मिल जाए, तो आप और उसको अच्छा मेथड कर सको, या आप और उसमें कुछ और अच्छा ढूंढ सको, तो आप एक बार वो बुक को पढ़ लो। मतलब पूरी पूरी बुक नहीं पढ़नी, मतलब फटाफट एक रीड मार लो आप, है ना? वरना अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो जो मैंने बताया है, जो मेरे प्रेजेंटेशन में है, आप वो वाला मैटर ले सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक जी, यू मैम। वेलकम मैम। वो तो हम लोग भी सिखा सकते हैं ना, मैंने जैसे नहीं किए हैं मास्टर हाँ हाँ सीबी वो जो सिल्वा के। टेक्निक तो कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक जी जी हरप्रीत मैम। यू। यस मैम, अब मैम मैंने ये चीज पूछनी थी मैम, कोई आपको बुक रिकमेंड कर सकते हैं कोई? रिगार्डिंग व्हाट मैम? मैम ये इसी के रिगार्डिंग, मैम रेखी के रिगार्डिंग, मुझे कोई मतलब ना कोई बुक मैं फाइंड आउट कर रही थी, मुझे उस हिसाब से कोई बुक मिली नहीं, क्योंकि जो एक आपने एक है बुक मैंने ली भी थी, क्योंकि मुझे उसमें ना इतना मतलब कुछ मटेरियल या कुछ ऐसा नहीं मिल पाया। मैम रेकी की, जैसे आपने मैम अपने मास्टर्स वाला टेलीग्राम चैनल देखा है क्या? उसमें मैम बहुत सारे बुक्स ऐड किए हुए यस मैंने। यस आपके हाँ बुक्स काफी सारे ऐड किए, मैंने एक दिन बैठ के ना काफी ट्राई किया था, बट मुझे समझ नहीं आया मैं कौन सी बुक लूँ मैं, क्योंकि क्या रहता है ना मैम बुक में कंफ्यूजन किस चीज की रहती है, अगर मैं हाँ ऑनलाइन उसको ऑर्डर करती हूँ ना तो उसमें ना मैम कंटेंट का नहीं पता चल पाता है, क्योंकि मैंने एक दो बार ऐसे बुक्स मंगवाई है तो मतलब मुझे कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज से, क्योंकि ऑनलाइन जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें कंटेंट इतना शो नहीं करता। तो मैम आप ना ऑर्डर मत करो बुक, क्योंकि आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करोगे तो आपको क्या है, अपने प्रेजेंटेशन में अब लेट्स सपोज कुछ मैटर डालना है, ठीक है? और आपने हार्ड कॉपी ऑर्डर कर ली, तो अब हार्ड कॉपी से आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा बैठ के। बट अगर आपके पास वो भी मैटर पीडीएफ फॉर्म में है, तो अब वो पीडीएफ से एटलीस्ट वो कंटेंट, वो लाइंस कॉपी करके अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो। हाँ ओके ठीक है, फिर वो पीडीएफ अवेलेबल है उसकी भी मैं हेल्प ले सकती हूँ, हाँ तो आप राइट वो मैम। पीडीएफ अपने डेस्कटॉप पे खोल के अच्छे से देख सकते हो कि ये टॉपिक्स हैं। आप हाईलाइट करके रख लो कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में ये चीजें डालूंगी। जैसे जब मैं कोई बुक पढ़ती हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ कि इससे कुछ नया बनाया जा सकता है, या ये रेकी में कहीं पे डाला जा सकता है ना? तो आप भी ऐसे ही हाईलाइट ओके करके उसमें कुछ कमेंट ऐड करके रख सकते हो कि हाँ ये क्लास में हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ये टॉपिक हम डाल सकते हैं। ओके राइट राइट। और दूसरा मैम ये जो अभी पूजा मैम आपसे बात कर रहे थे ना, हाँ वो जी सेम मैम। है मेरी साइड भी, ये सेम प्रॉब्लम ही है कि मैंने आपसे मास्टर लेवल किया हुआ है, तो माइंड में ना मतलब दिल में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि यार मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया, मैं करती तो शायद मेरा मतलब वो लेवल जो रहता वो थोड़ा सा अलग रहता, बट चलो एनीवेज मैं फिर भी ये कहूंगी मैंने जिनसे सीखा अच्छा सीखा मैंने, बिल्कुल मैम, बट हाँ लेकिन वो वाला पॉइंट मैम हमेशा एक मिसिंग लगता है कि हाँ यार वो रिकी लेवल 1 से सीखती ना तो वो ज्यादा नॉलेज इन्हें हेल्प कर सकती थी मैं, जी। बट चलिए मैम उसके लिए मैम थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं ये भी मैम थोड़ा थोड़ा अगर हमें मतलब इसमें नॉलेज देते हैं, जी, श्योर मैम, श्योर। बाकी मैम मेरी भी अभी लर्निंग पीरियड थोड़ी और ज्यादा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मुझे भी आपने मास्टर लेवल में ना आपने कही थी ये बात मुझे याद है कि जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो ना तब एक्चुअली में आपकी हाँ नॉलेज लर्निंग और शुरू होती बढ़ती है। है हाँ ना, दैट्स ट्रू। लर्निंग एक्चुअली एक्चुअली वही स्टार्ट होती है, तो मुझे भी एक्चुअली ये चीज फील होनी शुरू हुई है कि हाँ यार अब मतलब काफी चीजें क्लियर होनी शुरू हुई है, पहले तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन माइंड में बस एक क्वेश्चन मार्क ही रहता था, अच्छा ये कैसे है, जी बट थैंक चलिए मैम अच्छा चलिए थैंक यू सो मच मैम, हाँ यू, थैंक थैंक यू यू। मैम। मैम इवन मेडिटेशन भी करवाते हैं ना, तो मैम ऐसे मेडिटेशन करते थे और सिखाते वक्त मेडिटेशन करते ना तो वो बहुत बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हाँ एक एक चीजें हम महसूस पूरी तरह से करते हैं। जी
और मैम मेरा भी यही क्वेश्चन था कि हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम मुझे तो वैसे टेक्नोलॉजी बहुत नहीं आती है अभी, तो अभी मेरे कोई स्टूडेंट है राइट, और वो मतलब कि जैसे दूर है, मतलब कि कोई अहमदाबाद में है या, तो मैम अभी मुझे तो ये सब कुछ शेयर करना, पीडीएफ बनाना, तो वो मैं किस तरह से, मतलब आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि मैं किस तरह से करूं, क्योंकि थोड़ा मुझे उनको कुछ शेयर करना है, मतलब कि हाँ। तो वो लोग प्रैक्टिस कर सके। तो मैम देखिए आप जो मेरा प्रेजेंटेशन होता है ना, जो हाँ मैं क्लास में कराती हूँ, उसको छोड़कर और जो भी आपको वर्कबुक्स या जो भी आपको पीडीएफ्स मिले हैं सेल्फ स्टडी के लिए, वो आप शेयर कर सकते हो, बट आप प्रेजेंटेशन मत शेयर करना। यानी कि मैम आपने जो स्टडी मटेरियल दिया है लाइक हाँ, तो मैम उसमें से हम शेयर कर सकते हैं। हाँ वो सब आप शेयर कर सकते हो, बट जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जो जिसमें आप जो क्लास में जो दिखाई जाती है, जिससे पढ़ाया जाता है, वो दैट इज नॉट फॉर शेयरिंग, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यस मैम। हाँ लेकिन मैम वो हम किस तरह से शेयर करेंगे, मतलब कि वो मतलब कि कुछ मतलब हम शेयर नहीं कर सकते। पीडीएफ भेज दीजिए ना आपने मैम, कुछ भी मतलब कि पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी नहीं निकाल सकते अभी। इसमें से मैम आप बता दो ना मुझे ना, आपको क्या शेयर करना है, मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ। हाँ है ना। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। हाँ पूजा मैम आप दे सकते हो, बट आप मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो आप शेयर मत करना, बाकी आप जो नोट्स हैं और जो बुक्स मैंने ऐड किए हुए हैं वो आप शेयर कर सकते हो। मैम प्रेजेंटेशन तो जैसे कि लाइव मतलब मेडिटेशन करते हैं तो उसी वक्त हम रिकॉर्ड करके हमारा ही, तो वो ही उनको प्रैक्टिस के लिए शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ जो भी सेल्फ हीलिंग है, मेडिटेशन है, तो हाँ, वो इसी तरह हम रिकॉर्ड करके फिर उन लोगों को भेज सकते हैं। हाँ हाँ और वो जो स्टडी मटेरियल है वो, क्योंकि तो मैम आप बहुत समझे नहीं, मैं प्रेजेंटेशन का बात मैं वीडियो से नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली आप मेरा वीडियो नहीं शेयर करोगे क्योंकि टीचर आप हो, है ना, आप मेरा वीडियो शेयर करोगे तो एक गलत सेंस जाएगा। मैं वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ मैम, मैं वो जो आप मटेरियल देखते हो जो हम क्लास में करते हैं ना मैम, जो मटेरियल हाँ, मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाती हूँ, राइट राइट हाँ वो मटेरियल मेरा है, वो आप शेयर नहीं कर सकते। यस ठीक है। बाकी उसके अलावा जो भी आपको मटेरियल दिया जाता है, जैसे और भी आपको पीडीएफ्स मिले, गाइड्स मिले, वो सब आप शेयर कर सकते हो। ओके थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। हाँ जी और किसी का कोई क्वेश्चन और शुड वी एंड द सेशन। मैम राधे राधे। मैम कर्मा क्लेरेंस मेडिटेशन लेवल 3A में रिकॉर्डेड सेशन में पूरा वीडियो नहीं आया, प्लीज पूरा वीडियो स्टार्ट शेयर कर दे। ओके ओके साक्षी मैम, आई विल शेयर द एंटायर वीडियो। ठीक है। तो हरप्रीत मैम आपका कोई क्वेश्चन है क्या? यस मैम, मैं कहने वाली थी मैम एक्चुअली जैसे मटेरियल की अभी बात हो रही थी मैम, जैसे अभी हम स्टूडेंट्स को, जैसे एज ए स्टूडेंट अगर हम मतलब सॉरी एज ए टीचर अगर हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को मैम मटेरियल जो रहता है मैम वो देना, जैसे पीडीएफ के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर हम मतलब लाइक रिटर्न में ही या कुछ ऐसे दें, मतलब? नहीं मैम, मैं तो पीडीएफ ही देती हूँ। ओके हाँ, क्योंकि फिर आप अगर उनको ये कमिट करोगे कि नहीं मैं आपको हार्ड कॉपी भी दूंगी, तो ये बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है कि आप सबके लिए जाके प्रिंट आउट्स निकलवाओ, फिर सबको कोरियर करो, है ना। और पीडीएफ में क्या होता है कि आप जैसे उनको शेयर कर दो, बहुत सारे लोग आजकल डिजिटल मोड में ही पढ़ते हैं, मतलब फोन पे या लैपटॉप पर, तो वो उससे फिर देख सकते हैं, और जिसको नीड हो वो उतना पोर्शन प्रिंट करवा सकते हैं।
ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, जैसे ना मतलब कोई भी मतलब अगर मेरे माइंड में भी कोई भी अगर रेकी के अलावा और भी कुछ स्पिरिचुअलिटी से या कोई भी अलग टॉपिक होगा तो मतलब कैन आई एंड लाइक इन द लेवल फर्स्ट लेवल? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ भी अगर मुझे ठीक लगेगा कि हाँ मतलब नहीं ये इनकी प्रोग्रेस के लिए सामने वाले के लिए अच्छा रहेगा, मतलब इससे नॉलेज भी उनकी बढ़ सकती है, मतलब दिस इज गुड कि अगर मैं तो हाँ बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके भी अगर रेकी के अलावा भी कुछ मतलब मिलता जुलता इन द सेंस, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल पार्ट ही है ना एक तरह से, ये भी बिल्कुल बिल्कुल आप दे सकते हैं। बीज मंत्र आप 5-5 मिनट्स कर सकते हो हर एक चक्र पर, या 3-3 मिनट्स कर सकते हो, या आप बीज मंत्र के काउंट पे कर सकते हो, जैसे 11 काउंट्स कर सकते हो, तो इस तरह से आप क्योंकि मैम क्योंकि जैसे सेल्फ हीलिंग का भी टाइम होता है, फिर वो चक्रा हीलिंग में इतना टाइम मतलब नहीं मैं कर सकती, क्योंकि अगर हम 5-5 मिनट भी देते हैं तो दैट इज वही 35 or 40 मिनट का हो जाएगा, है ना, वो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा भी मैम कर सकते हैं ना कि जैसे सेल्फ हीलिंग को अगर थोड़ी देर अगर मतलब मैं फोर्स करना नहीं चाहती उसको, जैसे उसको छोड़ के चक्रा पे ध्यान दो, मतलब अगर थोड़ा थोड़ा टाइम उस पर डिवोट किया जाए, तो ऐसा कर सकते हैं मैम जैसे सेल्फ हीलिंग थोड़ी कम करके कि चक्रा पे भी थोड़ा हाँ, करके टाइम दे, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वो अभी ज्यादा जरूरी है तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। राइट ठीक है मैम, ओके ओके थैंक यू मैम। पूजे मैम, कर्मा क्लियरेंस हम लेवल 3A में सीखते हैं, तो वो लेवल 3A तक ही मैं शेयर कर सकती हूँ। हेलो, हाँ जी मैम। अच्छा जी, जब हमने कहा था ना काली मेडिटेशन जो करते हैं, जब जी मैम उससे हमने ऑरा क्लींजिंग करते हैं, हाँ, तो जैसे मैं अपना सपोज कर मैं अपना कर रही हूँ, तो उस समय का 2-3 लोगों का और भी साथ में मतलब कर सकते या एक एक करके ही करना है, वन बाई वन? नहीं, एक एक करके करिए मैम। मैम क्योंकि आप लोग के साथ ऐसा है ना कि थोड़ी सी नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे कंबाइन मत करिए, है ना? ओके हाँ, थैंक यू। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, रेकी ब्लेस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। Right.